नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पी सी एम बी डिजिटल गुरुकुल क्लासेस पर बच्चों आज हम करने वाले हैं के पी पी वाई एस एस सेक्शन टू थाउजेंड नाइनटीन का पार्ट बी पार्ट वन ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है और यही मॉक टेस्ट में भी एज इट इज़ प्रेजेंट है बच्चों अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब ज़रूर कर लें तो देखिए बेटा पहला क्वेश्चन है कि एक सेल है जो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन बहुत क्लियर सा क्वेश्चन है कि एक सेल है जिसका मास वन मिलीग्राम है वो डबल हो जाता है अपने इनिशियल मास से बिफोर डिवाइडिंग इनटू टू डॉटर सेल्स ऑफ इक्वल मास टू डॉटर सेल्स बना रहा है यानी कि ज्यादा चांसेस हैं कि ये कौन से डिवीजन है माइटोसिस के डिवीजन है अज्यूमिंग नो डेथ कोई डेथ नहीं हुई तो सौ डिविजन के बाद वॉट विल द नंबर ऑफ रेशियो ऑफ इंटायर पॉपुलेशन ऑफ सेल्स टू मास ऑफ अर्थ यानी कि आपको क्या निकालना है रेशियो ऑफ सेल्स मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ अर्थ जो है वो हमें दिया हुआ है बेटा टेन टू दावर ट्वेंटी फोर ये वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है और एक वैल्यू और दी गई है कि टू की पावर टेन की वैल्यू जो है वो है वन थाउजेंड उसको भी हम देखेंगे तो रेशो ऑफ सेल ऑफ मास तो नंबर ऑफ सेल के बिना तो मास निकलेगा नहीं एक सेल का मास आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ सेल्स निकाल लो तो रेशो ऑफ सेल ऑफ मास पता चल जाएगा तो भाई अगर एक डिविजन में टू बन रहे हैं तो हंड्रेड डिविजन्स में कितने बनेंगे हंड्रेड डिविजन्स तो हंड्रेड डिविजन में बन जाएंगे टू की पावर वन हंड्रेड है ना इसमें तो कोई हमारे को कन्फ्यूजन ही नहीं होनी चाहिए बहुत ही स्पष्ट सीधी सी बात है अब इसके बाद हमें हमारे को देखना पड़ता है इस क्वेश्चन के अंदर कि अपने को क्या 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 फैक्ट्स या वैल्यूज उसने मेंशन की हुई हैं तो भाई उसने देखो हमें इसके साथ साथ क्या मेंशन किया हुआ है हमारे को मेंशन किया था ये कि टू की पावर जो टेन है उसकी वैल्यू कितनी है वन है है ना तो टू की पावर हंड्रेड अगर इसकी वैल्यू हमारे से पूछ ले वो तो इसकी वैल्यू कितनी होगी अब ये हमें बताना पड़ेगा उसको तो टू की पावर टेन इंटू टेन इसको ऐसे लिख सकते हैं टू की पावर टेन इंटू टेन ऐसा कुछ इसको हम इस तरीके से अपने उसमें मैथमेटिकल फॉर्मूला जैसे हम लिखते हैं उस तरीके से इसको ऐसे लिखा जा सकता है अब जो टू की पावर टेन की वैल्यू है वो अपने को मैं मालूम है टेन की पावर थ्री है तो इस वैल्यू को कैसे लिखा जा सकता है इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टेन की इसको एक सेकेंड भाई इसको बल्कि ऐसे लिखते हैं एग्जैक्टली exactly, सही लिखने की कोशिश करते हैं टू की पावर टेन और इसके बाहर वैल्यू अपनी आ जाएगी फिर से टेन ऐसा लिख देते हैं अब जो टू की पावर टेन है उसकी वैल्यू तो आपको दी हुई है थाउजेंड थाउजेंड क्या होता है थाउजेंड को आप लिख सकते हो टेन की पावर थ्री यानी कि मैं इस वैल्यू को कैसे लिख सकता हूँ टेन की पावर थ्री और हंड्रेड तो ये हो जाएगा टेन की पावर थर्टी कितना हो जाएगा टेन की पावर थर्टी तो ये मेरे को डिविजन्स के बाद कितने सेल्स हैं वो तो समझ में आ गए कि नंबर ऑफ सेल्स तो हैं टेन की पावर थर्टी करेक्ट अब नंबर ऑफ सेल्स टेन की पावर थर्टी हैं लेकिन एक सेल का मास तो अब मास निकालना इनका तो मास कैसे निकलेगा तो नंबर ऑफ सेल्स तो आपने इस क्वेश्चन में निकाल लिए कि नंबर ऑफ सेल्स जो है वो है टेन की पावर थर्टी टेन की पावर थर्टी मल्टीप्लाइड बाई वन मिलीग्राम अब वन मिलीग्राम में आप जब वेट निकालने जाएंगे तो मिलीग्राम को आपको कन्वर्ट करना होगा किलोग्राम में क्योंकि अर्थ का वेट तो किलोग्राम में आपको फाइनली उसी से डिवाइड करना है तो सेम यूनिट रखनी है तो अर्थ को चेंज करो या उसको तो इसी को चेंज कर दिया तो वन मिलीग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं ग्राम हजार होते हैं तो किलोग्राम टेन टू द पावर माइनस सिक्स होंगे तो ये वैल्यू होगी अपनी टेन टू द पावर ट्वेंटी फोर नंबर ऑफ सेल्स ये हैं तो अब अपने को निकालना था यहां पर मास ऑफ सेल्स क्या निकालना था मास ऑफ सेल्स ये क्या थे नंबर ऑफ सेल्स और कोई भी डाई तो किया ही नहीं था तो टेन टी पावर ट्वेंटी फोर इसकी वैल्यू आ गई तो रेशियो क्या निकलेगा भाई टेन टू पावर ट्वेंटी फोर सेल का मास है और टेन टू द पावर ट्वेंटी फोर ही मास ऑफ अर्थ है तो आएगा वन यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा वन अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि पपाया एक डाइशियस स्पीसीज है यानी कि बाई नहीं है कैसी है यूनिसेक्सुअल विद एक्स वाई सेक्शुअल जीनोटाइप जिसमें सेक्शुअल जीनोटाइप क्या है एक्स एंड वाई है और मेल तो उसका मेल है एक्स वाई और फीमेल है एक्स एक्स ठीक है तो आपको जीनोटाइप बताना है एम्ब्रियो का और एंडोस्पर्म का एम्ब्रियो कैसे फॉर्म होता है भाई एम्ब्रियो फॉर्म होता है मेल और फीमेल के मिक्सचर से यानी कि मेल और फीमेल के मिक्सचर का क्या मतलब हो गया कि मेल और फीमेल के मिलने के चांसेस है तो वही अपना डायहेब्रिड क्रॉस वाला फंडा कि कितने चांस होंगे एम्ब्रियो टू एन जो बनता है कि या तो मेल से एक्स आएगा या वाई जाएगा फीमेल से तो हमेशा यही रहने वाला है तो क्या चांसेस है अगर एक्स गया तो क्या बनेगा एक्स 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 वाई गया तो क्या बनेगा एक्स वाई एक्स वाई ठीक है तो एम्ब्रियो के तो फिफ्टी परसेंट चांसेज हैं कि एम्ब्रियो एक्स वाई एक्स वाई चार में से दो बार ये बन सकता है दो बार ये बन सकता है यानी कि फिफ्टी फिफ्टी है फिफ्टी परसेंट चांसेस हैं ओव्यूल्स में कि एम्ब्रियो या तो एक्सएक्स होगा या एक्स वाई पहली बात तो यह स्टेटमेंट हमारी सही है उसके अलावा हंड्रेड परसेंट एम्ब्रियो आप कोई भी दिखा रहे थे वो तो गलत है ठीक है उसके बाद देखो ये बात अब फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन बच गया कि एक्स वाई एमब्रीओ और एक्सएक्स एम्ब्रियो के जो चांसेज हैं वो अपने पास है फिफ्टी परसेंट ऑफ्यूल वुस्मेंट एक्सएक्स एमब्रियो वाइल फिफ्टी परसेंट हैव एक्स एक्स वाई एंड एक्स वाई एम अब कन्फ्यूजन क्या है अब कंफ्यूजन ये है कि ऊपर वाले में उसने क्या गड़बड़ कर दी उसने बोला गैमेट एक्स आया है इसलिए आपका एक्स वाई वाई आया है एमब्रियो ये बन गया एक बार में यानी एक ही जाता है तो वाई गया है इस केस में अगर वाई गया है तो एंडोस्पम से भी तो वही मिलेगा ना तो जो एंडोस्पम फीमेल है उसका क्या होता है नॉर्मली तो एंडोस्पम का होता है फीमेल में टूए सिचुएशन में होता है ऑलरेडी तो एक्स एक्स अब इस एक्सएक्स से अगर वाई आया है तो वाई ही तो मिलेगा तो यानी कि क्या बनना चाहिए था जिस केस में एक्स वाई बना एम्ब्रियो में उस केस में एंडोसपम्प भी बनेगा एक्स एक्स वाई और जिस केस में एक्स एक्स आया उसमें एक्सएक्स ही बनेगा ट्रिपल एक्स एंडोस्पम्प बनेगा इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आंसर नंबर फोर सोलिड एंड डोटेड लाइन्स रिप्रेजेंट द एक्टिविटीज ऑफ पेप्सिन एंड सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम किसकी एक्टिविटी बता रहा है भाई एक्टिविटी बता रहा है इसको लिख देते हैं फिर भी आपके लिए दोबारा से और अब आगे समझाते हैं आपको एक्टिविटी बता रहा है पेप्सिन की और सिलेवरी एमाइलेज एंजाइम की तो भाई आपको क्या पता होना चाहिए कि सिलेवरी एमाइलेज एंजाइम जो होता है सिक्स पॉइंट सेवन समथिंग पे एक्टिव होता है ऑप्टिमम ये अपना बेस्ट करता है जबकि जो पेप्सिन होता है वो अपना बेस्ट किस पे करता है पेप्सिन अपना बेस्ट करता है वन से टू पी एच पे। यानी एक है और एक थोड़ा स्लाइटली बेसिक की तरफ जा रहा है तो कौन सी एक्टिविटी ऑप्टिमम पीएच पे उसकी एक्टिविटी दिखा रही है तो पी एच और एक्टिविटी पहले डायग्राम में फर्स्ट अगर पेप्सिन है 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 ये है, ये फर्स्ट तो बेटा ये एसिडिक और बेसिक कि वन ये मान लेते हैं टू ये तो देखिए एसिडिक पीएच क्या होगा वन टू फाइव के बीच में देखो इसने अपनी मैक्स एक्टिविटी की है, y पे है ये और सेवरी माइलेज केस में आप देखेंगे तो ये ठीक लग रहा है दूसरा इसमें, तो से के बीच में जो सबसे इसमें दोनों ही वन टू फाइव के बीच में एक्टिव दिखा दी ये भी गलत हो गया और इसमें भी वन टू फाइव में ही दिखाए गए तो ये भी गलत हो गया तो इसका आंसर क्या होगा फर्स्ट अगर जीन पुल किसी लोकस का जिनोम के चार हैं यानी कि ह्यूमन जीनोम में जीनोम क्या होता है सेट ऑफ ये सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम को हम लोग क्या बोलते हैं जीनोम तो एक क्रोमोजोम के अंदर अगर जीन पुल ऑफ द लोकस एक्स इज फोर कि एक क्रोमोजोम है आपके पास और उसके पा, पास आपके पास कितने चार हैं उसकी लोकेशंस इसी एक्स जीन की ऑफ द लोकस जीन पुल जो है, जो है वो, का चार है तो पेयर में जाना है आपको तो हमेशा वट वुड बी दाइस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ जीरो टाइप क्या हो सकते हैं तो मान लीजिए ये है ए बी सी एंड डी इस तरीके से मान लिया आपने और दूसरी तरफ भी आपने मान लिया ए बी सी एंड डी तो अगर हम बिना कैलकुलेशन के भी निकालें तो सीधा होगा कि इधर फोर है तो फोर की जितना भी टोटल नंबर होता है उसकी पावर एन होती है तो फोर की पावर टू से भी आप निकाल सकते थे सीधा सिक्सटीन नहीं तो इसका एक और फॉर्मूला भी होता है जेनेटिक्स के अंदर इसका फॉर्मूला लगता है जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो कि पॉसिबल जीनोटाइप निकालने का क्या फॉर्मूला है तो पॉसिबल जीनोटाइप अगर आपको यह चीज फॉर्म निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होता है n ब्रैक बाई टू ब्रैकेट एन प्लस वन और n होता है जितना भी आपको गिवन लील से जैसे इस केस में फोर है तो क्या हो जाएगा फोर बाय टू ब्रैकेट फोर प्लस वन तो फोर बाय टू में कितना आ जाएगा टू और अंदर से आ जाएगा फाइव तो यहां पे हो जाएगा टू इंटू फाइव टेन कितना हो जाएगा टेन ठीक है तो टेन इसका आंसर फोर बाई टू के फॉर्मूले से नहीं निकालना है हमें कई बार हम ये गलती कर देते हैं क्वेश्चन के अंदर कि हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं तो इस तरीके से कर सकते हो या फिर आप पूरा बॉक्स भी बना सकते थे इस क्वेश्चन को लेकर कि पॉसिबल जिनोटाइप का बॉक्स कैसे बनेगा देखो कि मान लीजिए आपने ये बॉक्स बना लिया इस क्वेश्चन के लिए इसी क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं भाई जिस तरीके से हम निकालते थे नॉर्मली वैसे ही निकाल दिया कैसे निकालते थे कि भाई मान लीजिए ए है तो ए तो अपने साथ या तो ये दोनों यही है कि हो जाएंगे या ए के पास पॉसिबिलिटी है कि वो बी से भी रिएक्ट कर सकता है सी से भी और डी से भी तो ए बी ए सी और ए डी करेक्ट उसके बाद बी के पास क्या चांस है ए बी तो ऑलरेडी बन चुका है या तो वो खुद से ही मिलेगा यानी कि बी बी या बी सी से मिलेगा या बी डी से मिलेगा ए सी ऑलरेडी बन चुका है तो अब क्या होगा सी सी और सी डी है ना या फिर क्या होगा या फिर क्या होगा सी ए सी 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 डी हो गया है ना ऐसे ही देखो एक और क्या हो जाएगा जब एक ही क्वेश्चन बचेगा डी के पास सिर्फ डी से ही ए डी बी डी आपको ऑलरेडी दिख ही रहे होंगे यहाँ पर तो इस तरीके से जब आप ऐसे भी निकाल सकते हो अगर आपके पास टाइम है पेपर में सॉल्व करने का तो ये भी एक तरीका है जिससे आप सॉल्व कर सकते थे अब इसको भी आप टोटल गिनेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ही मिलेंगे आपको तो इसका आंसर टेन है अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पर पार्ट टू के मैच द प्लांट हार्मोन्स इन कॉलम वन विद देयर प्राइमरी फंक्शन इन कॉलम टू कॉलम वन के हारमोन को कॉलम टू के हारमोन के साथ आपको मैच करना है जैसे आप देखेंगे कि एप्सिक एसिड तो हम जानते हैं स्ट्रेस हारमोन के नाम से फेमस है अब भाई अगर ये स्ट्रेस हारमोन है बेटा तो स्ट्रेस के काम करेगा स्ट्रेस का मतलब क्या होगा इन सब के अंदर से सीड की डोरमेंसी को मेंटेन करना उसको ना बढ़ने देना दूसरा ऑप्शन आपके पास है इथाइलिन हम सब जानते हैं फ्रूट राइपनिंग को प्रमोट करता है तो क्यों का हो जाएगा फोर तो p2q4 ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था आपके पास यहीं पे सवाल सॉल्व हो जाता है साइटोकाइनिन इसका मतलब r का 5 लीफ इंसेंस को सेनेसेंस या डिलेड एजिंग सेनेसेंस मतलब इरिवर्सिबल एजिंग जो इरिवर्सिबल होती है उसको बोलते हैं सेनेसेंस उसको करेगा और s जो है जिबरलिन वो तो सीड जर्मिनेट कराता ही है तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड तो बच्चों इसी के साथ हमने ये पार्ट 2 सॉल्यूशन टू मार्क ईच कर लिया है पूरा आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के वीपी के देखने के लिए भी हमारे चैनल को पे के लेटेस्ट अपडेट्स में प्लेलिस्ट में देख सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स डू लाइक एंड शेयर अवर वीडियोज एंड प्लीज सब्सक्राइब टूअ चैनल इन सपोर्टर्स